हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंडियन रिवर सिस्टम। लास्ट टू लेक्चर में हमने मेनली बात करी थी इंडस के बारे में, और इंडस की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं या क्या क्या मेन मेन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इन पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर। ये है मेरा टेलीग्राम अकाउंट जहाँ से आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होने पर मुझे इस अकाउंट पर पूछ सकते हैं। देखिए, ये हम एक बार फिगर देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में हिमालयन रिवर कौन कौन सी होती है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडस के बारे में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इंडस की रिवर की। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर गंगा के बारे में, और नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर होंगे वो ब्रह्मपुत्र डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो हमारा हिमालयन रिवर है वो खत्म हो जाएगा। अगर गंगा रिवर की बात करें तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है, इट इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर ऑफ एशिया। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, और ये दो देशों से होकर फ्लो होती है। सबसे पहला हमारा इंडिया, फिर दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। और जब ये दोनों से निकल जाती है तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। ओरिजिनेट होती है एज भागीरथी, कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर, जो की है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये भी याद रखना, कौन सा? भागीरथी की तरह ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एट द एलिवेशन ऑफ 7,010 मीटर। क्लियर हुआ। अलकनंदा रिवर जॉइंस भागीरथी एट देवप्रयाग। फ्रॉम देवप्रयाग रिवर द रिवर कॉल्ड गंगा। मतलब ये समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम पे फोकस करिए और देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया जो भागीरथी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। जब ये ओरिजिनेट होती है तो ये इसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। जब यहाँ पे देवप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिल जाती है तो यहाँ से जब ये फ्लो होती है तो इसको भागीरथी नहीं, इसको गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, यही बोल रहा है वो। जब भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है तो उसे गंगा बोलते हैं। और इसकी टोटल लेंथ है 2,525 किलोमीटर। ये चीजें जो ना पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जो बद्रीनाथ है उससे हमारी निकलती है अलकनंदा रिवर। क्लियर हुआ। और जो धौली गंगा रिवर है वो मिलती है विष्णुप्रयाग में। अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है आपको धावी से। क्लियर हुआ। धावी से कैसे याद हुआ? आपको पता है ना, अभी दो बहनें सेलेक्ट हुई थी, एक टीना डाबी और एक रिया डाबी। तो डाबी की जगह ढावी से याद रख लो आप, कि धा से धौली गंगा, बी से विष्णुप्रयाग। क्लियर हो गया। फिर आता है नंदाकिनी, जो मिलती है नंदप्रयाग में। इसको आपको याद रखना है नाना से। आपने गाना सुना ना 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 वाला, तो इससे याद रखना है ना से नंदप्रयाग, ना से नंदाकिनी। क्लियर हुआ। फिर आती है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा मिलती है आपके कर्णप्रयाग में। क्लियर हुआ। अब इसको कैसे याद रखना है आपको? पी का, आपने देखा है ना पॉकेमोन वाला कार्टून, तो पी से पिंडार गंगा और का से कर्णप्रयाग। तो ये भी याद रखना, धावी, नाना, पीका, और ये इसको आपको रखना मारू से याद, ठीक है। माँ से मंदाकिनी, जो मिलती है रुद्रप्रयाग में। मारू से याद रखना, मारू। आपने ढोल मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जो सबसे कॉमेडियन होता है ढोल मूवी में, उसका नाम मारू होता है, तो उससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपको भागीरथी, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया जो भागीरथी क्या है, गंगा जो है देवप्रयाग में मिलती है। आपको इसको याद रखना है तो इसको देभा से भी याद रख सकते हैं, या भादे से भी याद रख सकते हैं। भादे या देभा, कुछ भी इससे याद रख सकते हैं। मतलब ये एक्रोनियम मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, कि आप कुछ भी करो, आप देखो ये आप पसंद नहीं आ रहे तो आप अपना बना सकते हो, बट पॉइंट क्या है कि आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहे, ठीक है। जब चीजें आप विजुअलाइज करोगे ना, आपके एक्रोनियम वगैरह बने होंगे, तो चीजें आसान जाता है याद करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम गंगा की बात करें तो उसमें यमुना आके मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद में। और जैसे ही वो राजमहल हिल के पास पहुंचती है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाती है। राजमहल हिल कहाँ, कहीं पे, यहाँ कहीं पे होंगे, यहीं से ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये दो चीजों, दो भागों में बाइफरकेट हो जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ और एक चली जाती है हमारी वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में बोलते हैं इसे हुगली, जो बांग्लादेश है उसमें बोलते हैं इसे पद्मा। क्लियर हो गया, पद्मा। देन इट मर्जेस विद मेघना एंड फाइनली इनटू बे ऑफ बंगाल। और जो पद्मा है फिर आगे जाके मेघना के साथ मर्ज हो जाती है और बाद में जाके बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है। गंगा इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में गंगा थर्ड लार्जेस्ट पे आती है। क्लियर रखना ये भी। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है, फिर ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फिर ठीक है मैंने बताया था ना, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है और ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है। अगर मैंने लेंथ आपको ऑलरेडी बता दिया 2525 किलोमीटर, और ये गंगा डेल्टा बनाती है, और सोर्सेस अब मैंने बता दिया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, नंदा कोट हो गया, नंदा देवी, ये सारे इसके सोर्सेस हैं। और सिटीज की बात करूँ जहाँ जहाँ से फ्लो होती है, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना, कानपुर, गाजीपुर, ये सारे इसके सिटीज हैं जहाँ जहाँ से वो फ्लो होकर के आती है। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज की एक बार ये डायग्राम पे नजर मारी है, बट मैं आपके लिए और सिंपलीफाई कर देता हूँ। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है, चाहे आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बट हम एक एक करके सारी जो ट्रिब्यूटरीज है डिस्कस करेंगे, उन इन सब की ट्रिब्यूटरीज क्या है या कौन कौन से इन पे मेजर तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, ये है राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है यमुना, तमसा, सोन और पनपन, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, महानंद और कर्नाली। देखिए ये सारे हम डिस्कस करेंगे, पर इस लेक्चर में मैं सिर्फ इससे स्टार्ट करूंगा, यमुना से। यमुना के जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं वो सारी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो गया, स्टार्ट करते हैं हमारी यमुना रिवर से। लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ गंगा। क्लियर हो गया, आपको ये याद रखना है जो गंगा की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, कौन सी है, यमुना। क्लियर हो गया, और ये देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से बह के आती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एट ऑन द बंदरपुच पीक ऑफ इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। मतलब ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, कहाँ पे है ये, बंदरपुच पीक से, जो कि है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, एट द एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर। क्लियर हो गया, और ये कौन कौन से स्टेट क्रॉस करती है, सबसे पहला हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली। ये चीज आपको मस्ट होनी चाहिए यार। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर। ये कट करती है नागर टिब्बा से, मसूरी से और शिवालिक रेंज से, और अलाहाबाद में, प्रयाग में जो है ज्वाइन कर जाती है किसके साथ, गंगा के साथ। गंगा ये देख सकते हैं यमुना का, द यमुना ऑल्सो नोन एज जमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इन नॉर्दर्न इंडिया। क्लियर हो गया, लेंथ ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोर्सेज पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ब्रिज की बात करें तो निजामुद्दीन ब्रिज और ओल्ड नैनी ब्रिज जो है इसके ऊपर बसा मतलब बना हुआ है। और सिटीज की बात करें तो दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, यमुनानगर, नोएडा, कपली, इटावा, भागलपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद, ये सारी सिटीज इसके ऊपर है, बसी हुई है। क्लियर हुआ, अगर यमुना की बात करें तो ये एलुवियल फर्टाइल सॉइल बनाती है, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ भी जो सॉइल जो रिवर है वो बह के आती है। आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसका आपको पता होगा, जो रिवर है वो अपने साथ सॉइल सेडिमेंट्स से उठा के लेके आती है। जब सॉइल सेडिमेंट्स उठा के लेके ये किनारे पे छोड़ देती है ना, तो ये बनाती है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। क्लियर हो गया, तो इसी को हम इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन। ये रहा, इट जॉइंस बाय द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन ऑन द राइट बैंक, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेट्यू, वाइल हिंडन, रिन, सेनेगार, वरुण एक्सेट्रा जॉइन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये भी स्टार मार्क कर रहा हूँ कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है यमुना की और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना की, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये देख लेते हैं डायग्राम में, पर ये मैं और सिंपलीफाई कर रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ये मैं सारी एक एक करके बताऊंगा, ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, बेतवा, हिंसन, सिंध, केन, चंबल और तोन। देखो हैं और भी, बट आपको क्योंकि ज्यादा हमको डेप्थ में कितना रटोगे आप, तो जो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, आपका यमुना रिवर और ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो। बेतवा त्रावती ओरिजिनेट इन द विंध्या रेंज जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। जो बेतवा रिवर है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, कौन से कहाँ से, विंध्या रेंज से, ये भी याद रखना। और कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, इट मीट्स यमुना एट हमीरपुर टाउन इन उत्तर प्रदेश, और यमुना के साथ हमीरपुर टाउन में मिल जाती है, जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। टोटल लेंथ है 590, इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। हिंदन की रिवर की बात करें तो हिंदन रिवर इज अ रेनफेड रिवर, जो सबसे पहले आपको याद रखना है। इट ओरिजिनेट फॉर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, सहारनपुर से ओरिजिनेट होती है। और इट फ्लो बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर, जॉइंस यमुना जस्ट आउटसाइड दिल्ली। लेंथ है इसकी 400 किलोमीटर। क्लियर,
अगर सिंध रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू से, कहाँ पे, विदिशा डिस्ट्रिक्ट, एंड फ्लो थ्रू नॉर्थ ईस्ट एंड ज्वाइन यमुना रिवर इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? सबसे पहले जो आपको याद रखना है सिंध रिवर के बारे में, ये ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू में, कहाँ पे, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और यमुना के साथ इटावा डिस्ट्रिक्ट में मर्ज हो जाती है। क्लियर हुआ? मनीखेड़ा जो डैम है इसी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर हुआ? ये भी याद रखना, और टोटल लेंथ है इसकी 470। क्लियर? अगर केन रिवर की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ बुंदेलखंड रीजन। सबसे पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है, केन रिवर है दो स्टेट से फ्लो होके बहती है, सबसे पहला मध्य प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश, और इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जो केन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जो केन बेतवा रिवर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हुआ? अगर टोटल लेंथ की बात करें 427 किलोमीटर। चंबल रिवर की बात करें तो ये तो आपको मस्ट होना चाहिए याद, क्यों? क्योंकि इसकी भी ट्रिब्यूटरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछते भी हैं। चंबल रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूशन रिवर ऑफ इंडिया। सबसे पहला चीज़ आपको जो याद रखना है, अब इसकी लेंथ है 960 किलोमीटर, ओरिजिनेट फ्रॉम श्रीनगर चौरी पीक। क्लियर हो गया? फ्रॉम विंध्या माउंटेन। तो चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इन द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द ग्रेटर गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। इसकी लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 760। और कंट्री जो है इंडिया में, और ब्रिज ये जरूर से याद रखना, कोटा चंबल ब्रिज जो है इसी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर हुआ? अगर चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज दिखाऊं तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है, एक बानस, काली सिंध और प्रभाती। देख लेते हैं, येरी प्रभाती, येरी काली सिंध, ये और येरी बानस। क्लियर हुआ? काली सिंध की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ज्वाइन चंबल रिवर एट डाउन स्ट्रीम ऑफ सवाई मोधपुर इन राजस्थान। क्लियर हुआ? टोटल लेंथ है 351। प्रभाती रिवर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और चंबल रिवर में मिल जाती है। क्लियर हुआ? इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 436 किलोमीटर। क्लियर हुआ? बानस रिवर की बात करें, जो सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है, इट इज़ अ रेन फेड रिवर, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, और फ्लो होती है राजस्थान से। और अगर बानस का मतलब जाने तो इंग्लिश में उसका मतलब होता है होप ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? और ओरिजिनेट होती है कामनौर हिल्स ऑफ अरावली रेंज, द सिटीज ऑफ नाथड़वाला, जहानपुर, टोंक लाइज ऑन दिस रिवर। ये भी याद रखना जरूर से। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 512 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।